अम्फान ने लिया विकराल रूप, प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं बड़ी बैठक। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान अम्फान सुपर साइक्लोन में बदल चुका है और यह बुधवार को गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के तट को कर सकता है पार। सुपर साइक्लोन में बदला चक्रवाती तूफान अम्फान, स्थिति की समीक्षा के लिए मोदी करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। बुधवार को पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के तट को कर सकता है पार। ओडिशा और पश्चिमी बंगाल में कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी। चक्रवाती तूफान अम्फान सुपर साइक्लोन का ले चुका है रूप। यह 20 मई को गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के तट को कर सकता है पार। इसके चलते ओडिशा के तटीय इलाकों और पश्चिमी बंगाल की गंगा नदी के पास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की हो सकती है संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अम्फान से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करने के लिए कर रहे हैं उच्च स्तरीय बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ प्रधानमंत्री की बैठक शाम 4 बजे हो सकती है। मंत्रालय ने पश्चिमी बंगाल और ओडिशा सरकारों को जारी परामर्श में कहा है कि अम्फान सोमवार सुबह दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के मध्य हिस्सों और बगल के मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर मौजूद है। मौसम विभाग के अनुसार अम्फान सुपर साइक्लोन में बदल चुका है और ये 20 मई को गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के तट को कर सकता है पार। भुवनेश्वर स्थित मौसम विभाग ने कहा है कि अम्फान अगले 6 घंटे में सुपर साइक्लोन तूफान में बदल सकता है। ओडिशा के गजपति, पुरी, गंजाम, जगतसिंहपुर और केंद्रपाड़ा में भारी बारिश की चेतावनी की गई है जारी। कल बालासोर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, खुर्जा और कटक में बारिश हुई थी तेज। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात से तटीय ओडिशा और पश्चिमी बंगाल में गंगा से लगने वाले क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ हो सकती है भारी बारिश। ओडिशा सरकार जहां संवेदनशील इलाकों में रह रहे 11 लाख लोगों को निकालने की तैयारी कर रहा है, वहीं पश्चिमी बंगाल सरकार तटीय जिलों के लिए अलर्ट जारी कर चुकी है, राहत टीमें भेजी जा चुकी है। अम्फान की रफ्तार हो सकती है 185 किलोमीटर प्रति घंटा। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल के लिए ऑरेंज चेतावनी की है जारी और कहा है अम्फान 20 मई को दोपहर या शाम के दौरान अत्यंत प्रचंड तूफान के रूप में बांग्लादेश के हटिया द्वीप और पश्चिमी बंगाल के दीघा के बीच, पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के तट के बीच से गुजरेगा। इस दौरान 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, जो कभी भी 185 किलोमीटर प्रति घंटे की पकड़ सकती है रफ्तार। मौसम विभाग ने कहा कि अत्यधिक तेज हवाओं से कच्चे घरों को बहुत ज्यादा नुकसान और पक्के घरों को कुछ हद तक पहुंच सकता है नुकसान। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि तेज हवाओं के कारण बिजली और संचार के खंभे मुड़ या उखड़ सकते हैं, रेलवे सेवाओं को कुछ हद तक कर सकता है ये तूफान बाधित, और ऊपर से गुजरने वाले बिजली के तार, सिग्नल प्रणालियां हो सकती है प्रभावित। तैयार फसलों, खेतों, बगीचों को बड़े पैमाने पर हो सकता है नुकसान। तटीय ओडिशा में 18 मई की शाम से कई स्थानों पर हल्की से मध्यम हो सकती है बारिश, जबकि गजपति, गंजाम, पुरी, जगतसिंह, केंद्रपाड़ा जैसे ओडिशा के तटीय जिलों में कुछ स्थानों पर हो सकती है भारी बारिश। कोलकाता के क्षेत्रीय मौसम केंद्र के निदेशक जी के दास ने कहा है कि चक्रवात के प्रभाव से उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्वी पश्चिमी मिदनापुर, हावड़ा, हुगली समेत पश्चिमी बंगाल के तटीय जिलों में 19 मई को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि दूर दराज के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तटीय इलाकों में राहत सामग्रियां, सूखे मेवे, ट्रेम्पोलिन भेज दिए गए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि हम किसी भी तरीके की आपात स्थिति से निपटने के लिए हर तरह से सक्षम हैं और
जरूरी कदम उठाएंगे। विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं और राज्य आपदा प्रबंधन बल की टीमों को किया गया है तैनात। हम जन संबोधन प्रणालियों के जरिए घोषणाएं भी कर रहे हैं। 11 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारियों पर अधिकारियों ने बताया कि त्वरित प्रतिक्रिया बल और जरूरी उपकरणों के साथ वाहन पहले ही जिलों में पहुंच चुके हैं। राज्य सचिवालय से काम कर रहे राज्य आपदा संचालन केंद्र जिले में आपदा संचालन केंद्रों के साथ लगातार संपर्क में है। ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त पी के जैना ने कहा कि गंजाम, गजपति, पुरी, जगत सिंहपुरा, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, जाजपुर, कटक, खुर्दा और नयागढ़ के जिलाधिकारियों से जरूरत पड़ने पर संवेदनशील इलाकों से लोगों को निकालने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। उन्होंने कहा 11 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई है पूरी, लेकिन लोगों को किन स्थानों से निकालना है यह फैसला सही समय पर किया जाएगा। जिन्होंने कहा कि 12 तटीय जिलों में 809 चक्रवात शिविरों में से 242 को फिलहाल कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच विभिन्न राज्यों से लौट रहे लोगों के लिए अस्थायी चिकित्सा शिविर के रूप में किया जा रहा है इस्तेमाल। एनडीआरएफ की इकाइयां भेजी गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक एसएन प्रधान ने कहा है कि 10 इकाइयों को ओडिशा के विभिन्न जिलों में भेजा गया है जबकि 10 अन्य इकाइयों को रखा गया है तैयार। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अधिकारियों को लोगों को संवेदनशील इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की योजना बनाने का दिया है निर्देश। साथ ही सड़क मार्ग, पेयजल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति, अस्पतालों के ढांचे और वहां बिजली पानी की आपूर्ति को जल्द बहाल करने की भी तैयारी करने को कहा है। चक्रवात अम्फान से एक साल पहले पिछले साल 3 मई को ओडिशा में तूफान फणी ने कहर बरपाया था और 64 लोगों की जान लेने के साथ ही बिजली, दूरसंचार, पानी और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की अवसंरचना को किया था तबाह।